गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन फ्री स्टडी यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में देखने वाले हैं हम आज 14 नवंबर का करंट अफेयर, जो कि इंपॉर्टेंट होगा सभी एग्जाम्स के लिए। और देखिए, बता दूं एग्जाम्स में लगभग जो करंट अफेयर्स आ रहा है वो 7 से 8 महीने पुराना आ रहा है, 1 ईयर पुराना आता है। तो फ्रेंड्स देखिए, जितना भी हो सके उतने क्वेश्चंस जो आप करते हैं उनके फैक्ट्स और 1 साल पुराना करंट अफेयर करिए, जिस भी जो भी एग्ज़ाम आप दे रहे हैं उनके लिए। देखिए, जैसे कि हम अभी देख रहे हैं RRB और ALP और जो जो अभी एग्ज़ाम्स हुए हैं उनमें लगभग 8 से 9 महीने या फिर कहीं 1 साल पुराना ही करंट अफेयर आया है। तो फ्रेंड्स देखेंगे, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बता दूं आपको PDF मिल जाएगी इस वीडियो की। तो PDF कहाँ मिलेगी? इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगी टेलीग्राम की, उसके ज्वाइन करने का डेली बेसिस पे वहाँ पर करंट अफेयर मिल जाता है और बाकी जितनी भी वीडियोस रहती हैं उनकी भी PDF मिल जाती है। तो फ्रेंड्स देखिएगा, वहाँ पर आप ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप और ऑनलाइन फ्री स्टडी के चैनल पर जाकर एक बार विजिट कीजिए। वहाँ पर प्लेलिस्ट मिलेगी, तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोज़ भी यहाँ पर पड़ी हुई हैं। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। पहले देखिए, बता दूं मैं आपको, जब भी हम वीडियो स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर की, तो बता दूं हम 2 या 3 क्वेश्चन पूछते हैं आपसे प्रीवियस वीडियो से जो रिलेटेड होते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में लॉन्च की गई AR रहमान की बायोग्राफी का क्या नाम है? तो फ्रेंड्स देखिएगा, बता दूं मैं आपको, जितनी भी क्वेश्चंस हम पूछें आपसे 2 या 3, तो ये समझ लीजिए ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि आपके एग्जाम्स में एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हैं जो आते हैं। तो फ्रेंड्स ऐसे क्वेश्चंस जो होते हैं उनके आप कमेंट कीजिएगा, बताइएगा आपको क्या। अगर आपने कल वाली वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन एक प्लेलिस्ट डली हुई है डेली करंट अफेयर के नाम से। तो इस वीडियो से पहली वाली एक वीडियो पड़ी होगी 13 नवंबर की, उसे देख लीजिएगा, वहाँ से आपके जो डाउट्स है वो क्लियर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू द्वारा हाल ही में किस देश में प्रथम विश्व युद्ध में मारे गए भारतीय सैनिकों की स्मृति में स्मारक बना गए? ठीक है, स्मृति में स्मारक बनाए गए किस देश में बनाए गए ये आपको बताना है। और उपराष्ट्रपति जी ने जो है प्रथम विश्व युद्ध के प्रथम विश्व युद्ध के जो सैनिक थे भारत के वो मारे गए थे उसके उनकी याद में बनाया है। तो फ्रेंड्स आपको ये आंसर देना है। और आज का थर्ड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस परियोजना को संस्कृत धरोहर संरक्षण के लिए 2018 यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कार दिया गया है? तो फ्रेंड्स ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और इन तीनों क्वेश्चंस के आपको आंसर देने हैं, कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर दीजिएगा। देखिए फ्रेंड्स, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस रहते हैं जो इंपॉर्टेंट रहेंगे। और जो अब स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर जो कि इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन है, एमनेस्टी इंटरनेशनल ने हाल ही में किस शख्सियत को दिया गया सर्वोच्च सम्मान वापस ले लिया है? तो आपके ऑप्शंस हैं, बान की मून, आंसान सूची, कोफी अन्नान या आमिर खान। तो फ्रेंड्स देखिएगा, आपको इन ऑप्शंस में से एक आंसर बताना है क्या होगा। अगर नहीं पता है तो फ्रेंड्स बिल्कुल इस वीडियो को पूरा देखिएगा, सारे आपको डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर है बी ऑप्शन, यानी बी ऑप्शन है आंग सान सूची, यानी एमनेस्टी इंटरनेशनल ने आंग सान सूची से अपना सर्वोच्च सम्मान जो है रोहिंगा मुसलमानों के खिलाफ जो उन्होंने म्यांमार की सेना के अत्याचारों पर उनकी उदासीनता को लेकर वापस ले लिया है। तो फ्रेंड्स आगे देखते हैं, नंबर 2, कनाडा के सबसे बड़े करौंदा उत्पादक सिख किसान का क्या नाम है जिसने कनाडाई एग्रीकल्चरल हॉल ऑफ फेम में नामित होकर इतिहास रच दिया है? तो फ्रेंड्स आपके पास ऑप्शन है, हरमनदीप सिंह, सरबजीत ग्रेवाल या जोगेश्वर चहल या पीटर ढिल्लो। तो फ्रेंड्स आपका आंसर है वो पीटर ढिल्लो। तो ऑप्शन नंबर 2 यानी कनाडा के सबसे बड़े करौंदा उत्पादक सिख किसान ने कनाडाई एग्रीकल्चरल हॉल ऑफ फेम के में नामित होकर इतिहास रच दिया है। ब्रिटिश कोलंबिया के पीटर ढिल्लो अल्पसंख्यक समुदाय के पहले व्यक्ति हैं। ओके, देखते हैं अगले क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय मीडिया हाउस ने बियॉन्ड फेक न्यूज नाम का एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का प्रोजेक्ट लॉन्च किया है? तो किस न्यूज ने किया बताना है, CNN, BBC, NBC या अल
जजीरा। तो फ्रेंड्स आपका ऑप्शन, आप के ऑप्शन आपके पास हैं, आप बताइएगा क्या हो सकता है इसका आंसर। अगर नहीं पता है तो वेट कीजिए, इसके आंसर है बीबीसी न्यूज़। ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन ने 12 नवंबर से बियॉन्ड फेक न्यूज़ नाम का एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। कब किया है? 12 नवंबर को। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अमेरिकी कॉमेडी बुक के प्रसिद्ध लेखक बा मार्वल कॉमिक्स के को क्रिएटर का क्या नाम है, जिनका हाल ही में 95 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो फ्रेंड्स बहुत ही फेमस व्यक्ति हैं। ओके, ऑप्शन है स्टेन ली, आर्नोल्ड शिव जर्गर, रॉकी स्टील, जॉर्डन ब्राउन। तो फ्रेंड्स आंसर है स्टेन ली, अमेरिका कॉमिक बुक के लेखक व मार्वल कॉमिक्स को क्रिएटर स्टेन ली का 95 वर्ष में निधन हो गया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। एक रिपोर्ट के अनुसार किस देश में अवैध रूप से प्रवेश करने के कारण 2,382 भारतीय लोग उस देश की जेलों में बंद हैं? तो सऊदी अरब, इंग्लैंड, अमेरिका या जर्मनी। तो फ्रेंड्स किस देश में ऐसा है, तो आप ऑप्शन बताइएगा, और ये बहुत बड़ी बात है। तो फ्रेंड्स देखिएगा, ऐसे क्वेश्चंस कभी कभी आ जाते हैं और बहुत मैक्सिमम गलत हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स आराम से इसको ध्यान देखिएगा, और आंसर है अमेरिका। फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट के जरिए मिली आंकड़ों के आधार पर नॉर्थ अमेरिका पंजाबी एसोसिएशन यानी कि NAPA ने बताया है कि अमेरिका में अवैध रूप से घूमने के कारण वहाँ की 86 जेलों में 2,382 भारतीय नागरिक बंद हैं। आगे देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। अमेरिका ने पाकिस्तान में किस देश के वृद्ध शरणार्थियों के लिए 7.3 करोड़ रुपए की सहायता राशि दिए जाने की घोषणा की है, वृद्ध शरणार्थियों के लिए? ठीक है, तो भारत, बांग्लादेश, तिब्बत या अफगानिस्तान। तो आपका आंसर है अफगानिस्तान। अमेरिका ने पाकिस्तान में रह रहे अफगान वृद्ध शरणार्थियों और बलूचिस्तान व खैबर प्रांत में उनके साथ रह रहे स्थानीय समुदाय की देखभाल के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO को करीब 7.3 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद दी है। 7वां क्वेश्चन देखते हैं। उस भारतीय पर्वतारोही का क्या नाम है जो 7 में से 5 ज्वालामुखियों की चढ़ाई करने वाले पहले भारतीय बने? फ्रेंड्स आपके पास ऑप्शन है सत्यरूप सिद्धांत, अर्जुन वेंकट रमन, संबित कोलहार, तरुण कुवलीकर। ओके, आपके पास आंसर है आपका सत्यरूप सिद्धांत। तो देखिए पर्वतारोही सत्यरूप सिद्धांत 7 में से 5 ज्वालामुखी पहाड़ों को चढ़ाई करने करने वाले पहले भारतीय व्यक्ति बन गए हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। भारत में किस पहलवान को हाल ही में 65 किलोग्राम वर्ग में पहला स्थान हासिल हुआ है? तो फ्रेंड्स बहुत बड़ी बात है, और इसका आंसर देखिए पहले ऑप्शन देखते हैं। अमित सेजवाल, बजरंग पुनिया, अनिल खुमिक या जोगेश्वर दत्त। तो आपका आंसर है बजरंग पुनिया। तो भारत के प्रसिद्ध पहलवान बजरंग पुनिया ने 45 किलोग्राम वर्ग में शीर्ष विश्व रैंकिंग हासिल की है। बजरंग पुनिया WWW की सूची में 96 अंकों के साथ रैंकिंग तालिका में शीर्ष पर है। आगे देखते हैं फ्रेंड्स 9वां नंबर। हाल ही में किस स्थान पर कच्चे तेल के भूमिगत भंडार के लिए एडनॉक ने ISPRL के स्थान पर सहमति ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? तो कनक, पदूर या अलवर। तो फ्रेंड्स आपका आंसर है जो पदूर है। अब आबू धाबी की राष्ट्रीय तेल कंपनी एडनॉक ने कर्नाटक के पदूर में
भारतीय कंपनी इंडियन और इंडियन पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड ISPRL द्वारा कच्चे तेल के भंडार के लिए बनाई गई भूमिगत भंडार सुविधा का लाभ लेने के लिए ISPRL के साथ आबू धाबी में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। तो फ्रेंड्स, आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सिंपल सा क्वेश्चन है और आपको आ सकता है ये क्वेश्चन। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस स्थान पर भारत के पहले नदी जलमार्ग बंदरगाह का उद्घाटन किया? वाराणसी, हावड़ा, पोरबंदर या सिलचर? तो फ्रेंड्स देखिए, ऑप्शन दिख रहा है आपको, आंसर दिख ही रहा है, वाराणसी। तो भारत के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी ने अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी को 2,400 करोड़ रुपए की सौगात दी है। उन्होंने यह भारत के पहले नदी बंदरगाह टर्मिनल का उद्घाटन किया। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के क्वेश्चन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। कमेंट करके जरूर बताइएगा, जो तो तीन क्वेश्चन क्विज के पूछे हैं हमने, आप कमेंट करेंगे तो पता चलेगा आप कितना पढ़ रहे हैं और बाकी आपका करंट पर आ रहा है या नहीं आ रहा है। फ्रेंड्स, आप कहीं से भी पढ़ें, किसी भी वीडियो को देखें, तो बस इतना ध्यान रखें कि उस वीडियो पढ़ा हुआ वीडियो को 1 से 2 बार रिवाइज करें और हो सके तो 3 से 4 बार उसको देखें। और अगर आपको PDF मिल जाती है तो आप उसको आप इजीली पढ़ सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, और इस वीडियो के नीचे एक सब्सक्रिप्शन बटन आ रहा है उसे भी दबा दीजिएगा। उसके बाद आएगा बेल का आइकन, उसे भी दबा दीजिएगा, जिससे क्या वो जितनी भी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन है वो आपको मिल जाएंगी तुरंत। और फ्रेंड्स, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो, और बेस्ट ऑफ लक आपके एग्जाम के लिए।